वहीं मोहन सरकार ने समन और वारंट को लेकर बड़ा फैसला किया है। प्रदेश में अब तमाम तरह के समन और वारंट ऑनलाइन भेजे जाएंगे, मतलब ईमेल, व्हाट्सएप और मैसेज के जरिए समन और वारंट्स भेजे जाएंगे। ईमेल बाउंस बैक ना होने पर इसे तामील माना जाएगा। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने इसको लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि जो लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करते हैं उनके लिए मान्य नहीं होगा। सरकार के इस फैसले पर सीएम ने कहा कि देश में ऐसा पहली बार किया जा रहा है। इसके लिए संबंधित विभाग को मुख्यमंत्री ने बधाई भी दी, कहा कि मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि अपने सभी प्रकार के संबंध तामील कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके का तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। ये देश में पहला प्रयोग है जिसमें हमारी न्यायिक प्रणाली में तकनीक का उपयोग लेते हुए संबंध तामील कराने के लिए, नोटिस तामील कराने के लिए ई तकनीक का सहारा लिया जाएगा, जिसके कारण से त्वरित गति से इन सारी व्यवस्थाओं का पालन किया जा सके। मेरी अपनी ओर से टेक्नोलॉजी के इस नए प्रयोग के लिए विभाग को बधाई। तो ईमेल, व्हाट्सएप और मैसेजेस के जरिए अब वारंट और समन भेजे जाएंगे। ईमेल बाउंस बैक नहीं हुआ तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि ये तामील हो गई है, यानी कि रिसीव कर लिया गया है वारंट या समन जो भी भेजा गया होगा। और जो लोग तकनीक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो जिनके ईमेल नहीं है, उनके पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है, तो उनके लिए ये नहीं होगा। लेकिन ये पहला ऐसा राज्य है मध्य प्रदेश का, देश का, जिसने ये कदम उठाया है। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ इसी पर लाइव जोड़ रहे हैं। शैलेंद्र, एक बड़ी शुरुआत हुई है, एक बड़ी पहल मध्य प्रदेश की ओर से की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश से एक बड़ी शुरुआत की गई है। जिस तरीके से पुलिस कर्मियों को वारंट तामील कराने के लिए कई बार चक्कर लगाने पड़ते थे, उसके बावजूद भी जो वारंट जिन लोगों के नाम इशू होते हैं वो लोग नहीं मिलते थे, जिसके चलते जो जो आरोपी हैं या जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तारी को लेकर हो या फिर उनके संबंध को तामील कराने को लेकर हो, कोर्ट से लगातार फटकार जो है मध्य प्रदेश पुलिस को झेलनी पड़ती थी। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के द्वारा लंबे समय से इस विषय पर काम किया जा रहा था कि किस तरीके से एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आए ताकि अधिक से अधिक वारंट जो है वो कम समय में तामील हो सकें। क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस का एक बड़ा तबका, यानी बड़े सिपाही और जो अन्य कर्मचारी हैं वो वारंट तामीली में ही जुटे रहते थे। तो ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, गजट नोटिफिकेशन। उसके माध्यम से ये कहा गया है कि जो लोग भी व्हाट्सएप चलाते हैं या फिर जिनके पास ईमेल आईडी है, ऐसे लोगों को वारंट जो है वो ऑनलाइन सर्व किया जाएगा। और जिन लोगों के पास गजट नहीं है या जो मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं या ईमेल नहीं चलाते, केवल उन्हीं लोगों को पुलिस को प्रत्यक्ष तौर पर वारंट तामील कराने के लिए पहुंचना होगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी पहल आप इसे कह सकते हैं कि लगातार मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मी हैं जो थाने में पदस्थ हैं वो वारंट तामील कराने के लिए जो संबंधित व्यक्ति है घर पर पहुंचते थे, लेकिन घर वालों बहुत बार चक्कर काटते थे, उसके बावजूद भी कोई नहीं मिलता था या कई बार तो पथराव भी हमने देखा है कि ऐसे मौकों पर टीम के ऊपर किया गया। शैलेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ। वहीं कोलकाता की घटना के बाद एमपी का स्वास्थ्य महकमा डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर अलर्ट हो गया है। प्रदेश के चिकित्सा संचालक ने राज्य के सभी 17 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कॉलेजेस के डीन और अधीक्षक को रात में भी निरीक्षण करने के निर्देश दिए, साथ ही एक सप्ताह में व्यवस्थाएं पूरी कर रिपोर्ट मांगी है। तो एमपी का स्वास्थ्य महकमा अब डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर अलर्ट हो गया है। राज्य के सभी 17 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। कॉलेजेस के डीन और अधीक्षक को रात में भी निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं, रात में भी वो राउंड लगाएं। और शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कोलकाता में जिसके बाद हुआ उसको देखते हुए, जो कुछ हुआ है उसको देखते हुए, अब मध्य प्रदेश में यहाँ ये महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, कलकत्ता में जो घटनाक्रम हुआ उसकी पुनरावृत्ति मध्य प्रदेश में ना हो, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से देखिए, जो जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल हो या रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल हो, उनकी भी सबकी एक जो महत्वपूर्ण मांग है वो है नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर ही है। तो ऐसे में देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ये चाहती है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, वो सुरक्षित माहौल में काम कर पाएँ, भयमुक्त वातावरण में वो काम कर पाएँ। क्योंकि यदि वह भयमुक्त वातावरण में काम करेंगे तो मरीजों का भी बेहतर वो ख्याल रख पाएंगे। और यही कारण है कि
मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा न्यायालय की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया है। सभी मेडिकल कॉलेज, जो मध्य प्रदेश के 17 मेडिकल कॉलेज हैं, उनके डीन को एक बाकायदा एक लेटर और निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि उनके जो भी अस्पताल हैं उनमें सब में CCTV लगाए जाएँ। न केवल जो OPD है वहाँ पर होगा, बल्कि जो वार्ड हैं उसमें होगा, जो खाली कॉरिडोर हैं उनमें होगा, पार्किंग जो है वहाँ पर भी आपको CCTV लगाना होगा, ताकि 24 घंटे जो है वो निगरानी हो सके। और केवल CCTV के माध्यम से निगरानी नहीं, बल्कि जो अधीक्षक हैं अस्पतालों के या जो कॉलेज के डीन हैं उनको भी ये निर्देश दिए गए हैं कि अभी वो दिन में तो ड्यूटी पर जाते ही हैं और लगातार बाढ़ का निरीक्षण भी करते हैं, लेकिन अब उनको रात में भी निरीक्षण पर निकलना होगा, ताकि देखिए व्यवस्थाएं किस तरीके से मेडिकल कॉलेज की हैं या उससे संबंध अस्पतालों की हैं, इसका जायजा लेने के लिए वो रोज रात को निकलेंगे, ताकि जो डॉक्टर्स हैं वो भयमुक्त वातावरण में काम कर सके। जी बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते हैं आगे, बात रीवा की करते हैं, जहां नशा मुक्ति केंद्र के डॉक्टर का मर्डर हुआ है। डॉक्टर को पीट पीट के मौत के घाट उतार दिया गया। छेड़खानी का आरोप पहले डॉक्टर पर लगाया, उसके बाद उसकी पिटाई की गई। नशा मुक्ति केंद्र के संचालक और परिवार वालों पर पिटाई करने के आरोप है। मौत के बाद मुख्य आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने शक के आधार पर एक को गिरफ्तार कर लिया है। नशा केंद्र है और पुनर्वासन केंद्र है, वहाँ पे जो गुप्ता जी हैं उनको बुला के उसके जो डायरेक्टर हैं और मैनेजर हैं और साथ ही साथ तीन लोग और हैं, इनके द्वारा मारपीट की गई थी, जिसके कारण उपचार के दौरान इनकी मौत हो गई है और अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है 5 आरोपियों के विरुद्ध। शिवेंद्र बघेल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शिवेंद्र, जरा बताए कब का ये मामला है, किसने पीटा और छेड़खानी का आरोप किसने लगाया था? देखिए मैं आपको बता दूं कि ये नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर के रूप में लंबे समय से पदस्थ थे रुद्रसेन गुप्ता, इनके ऊपर जो संचालिका है उन्होंने छेड़खानी का आरोप लगाया था और इसके पहले भी उन्होंने मारपीट की थी, बाद में इनके बीच में समझौता हुआ था, लेकिन कल इनके साथ में गंभीर रूप से मारपीट की गई और अनोन व्यक्ति ने संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी उपचार के दौरान मौत हो गई है। इस पूरे मामले में जो संचालक है उसकी पत्नी पर हत्या के आरोप लगे हैं। पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है और एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश पुलिस अब हाईटेक होने जा रही है, जिसके बाद पुलिस छापा लाइव दिखेगा। मध्य प्रदेश पुलिस 1200 बॉडी वॉर्न कैमरा खरीदने जा रही है, जो प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस को दिए जाएंगे और पुलिस कर्मी इन बॉडी वॉर्न कैमरे को पहनकर किसी भी कार्रवाई को अंजाम देंगे और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग पुलिस अधिकारी देख सकेंगे। पुलिस ने 600 लाइव स्ट्रीमिंग और 600 ऑफलाइन कैमरे का ऑर्डर दिया है। बता दें कि इस वक्त भोपाल पुलिस ऐसे 30 कैमरे इस्तेमाल कर रही है जो पहने जा सकते हैं। फिलहाल ये कैमरे पहनकर भोपाल ट्रैफिक पुलिस चालानी कार्रवाई करती है। आज मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान होना है। MP से राज्यसभा भेजे जा सकते हैं जॉर्ज कुरियन। ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट से जॉर्ज कुरियन को राज्यसभा भेजा जा सकता है। केंद्र नेतृत्व जॉर्ज कुरियन के नाम की घोषणा कर सकता है। आपको बता दें कि लोकसभा का सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई है सिंधिया की और केंद्र मंत्री जॉर्ज कुरियन के नाम पर अब BJP आलाकमान आज मोहर लगा सकता है, ऐलान कर सकता है। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां मोहन कैबिनेट की अहम बैठक, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। मिशन शक्तिकरण पर सरकार फैसला लेगी। प्रदेश भर में साइबर तहसील पर मोहर लगेगी। सिंचाई प्रोजेक्ट पर सरकार बड़ा फैसला लेगी। कर्मचारियों के ट्रांसफर पॉलिसी पर भी चर्चा संभव है। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर सियासत जारी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विजयवर्गीय पर हमला बोला, कहा विजयवर्गीय की जो आशंका
वो डराने की, देश एकजुट है, था और रहेगा। देश की एकता के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता शहादत देने के लिए तैयार है, क्योंकि कांग्रेस नफरत की विचारधारा से लड़ रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय की जो आशंका है वो सिर्फ डराने और धमकाने की है। देश एकजुट है, था और रहेगा, और ये हर कांग्रेसी देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी शहादत देनी पड़े, अपने खून का आखिरी कतरा बहाना पड़े तो तैयार रहेगा। नफरत और घृणा भारतीय जनता पार्टी के विचार और कैलाश विजयवर्गीय के विचार से लड़ता रहेगा। और अब बात छतरपुर की, जहां एक भयानक सड़क हादसा हुआ, इसमें 7 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं अभी 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें ग्वालियर रेफर किया गया। अब कलेक्टर ने मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए सहायता राशि देने का ऐलान किया है, जो मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। बता दें कि आज सुबह एक खड़े ट्रक में तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर जा भिड़े। ऑटो में सवार 13 लोगों में 5 की मौके पर मौत हो गई थी, तो वहीं 2 लोगों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 6 लोग घायल थे, जिसमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी जो लोग हैं वो यूपी के अलग अलग जिलों के रहने वाले थे। ये लोग बागेश्वर धाम जा रहे थे और अब सीएम राहत कोष से इन्हें सहायता राशि दी जाएगी। हमारे जो झांसी खजुराहो हाईवे है उस पे एक सुबह दुखद दुर्घटना घटी है, जिसमें एक ऑटो से 13 लोगों घायल हुए हैं, जिसमें से 7 लोगों की मृत्यु हो गई है। 6 लोग अभी अस्पताल में एडमिट हैं, जिनमें से 4 लोगों को उपचार के लिए हम ग्वालियर रेफर कर रहे हैं। जो 7 लोग जिनकी मृत्यु हो गई है उनका पोस्टमार्टम हो रहा है। मुख्यमंत्री जो हमारी आर्थिक सहायता राशि होती है दुर्घटना में, वो राशि इनको तत्काल प्रदाय की जाएगी जो मृत्यु हुई है, और उसके अलावा जो घायल हुए हैं उनको भी सहायता कोष से राशि प्रदाय की जाएगी। उसके लिए प्रकरण बना रहे हैं, आज ही उसको राशि हम प्रदाय। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। लिखा कि मेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है, मुझे 5 दिनों के लिए आराम करने के लिए कहा गया है, इसलिए मैं कुछ समय के लिए नहीं मिल पाऊंगा। क्षमा करें, आप सभी भी कोविड से बचने के लिए अपना ख्याल रखें। तो एक्स पर खुद इस बात की जानकारी दिग्विजय सिंह ने शेयर करके दी कि मेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है, मुझे 5 दिनों के लिए आराम करने के लिए कहा गया है, मैं सबसे नहीं मिल पाऊंगा इस दौरान, आप सभी ध्यान रखें। तो कोविड पॉजिटिव हैं दिग्विजय सिंह। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे, जहां इंदौर विधानसभा 2 से विधायक रमेश मेंदोला के दिवंगत पिता चिंतामणि मेंदोला को श्रद्धांजलि देने के लिए वो पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि रमेश मेंदोला से उनके काफी पुराने पारिवारिक संबंध रहे हैं, ईश्वर उन्हें और उनके पूरे परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ एमपी कैबिनेट के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी रमेश मेंदोला के आवास पर पहुंचकर उनके पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही 2 नंबर विधानसभा के बहुत लोकप्रिय विधायक श्रीमान रमेश मेंदोला जी के पिताजी का देहांत हुआ, स्वर्गीय चिंतामणि मेंदोला जी का, जो मुझे बताया गया कि वो अपने क्षेत्र के बहुत सक्रिय और खास करके मजदूरों के क्षेत्र में, रिटायर्ड कर्मचारियों के क्षेत्र में अलग अलग समय पे अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाते थे। उनके देवलोक गमन का ये दुखद अवसर है, मैं अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ। बाबा महाकाल से कामना करता कि वो उनको मोक्ष प्रदान करे, और मेंदोला परिवार पे जो दुख की घड़ी में वज्रपात हुआ है इसको सहन करने की परमात्मा से कामना करता हूँ। ओम सर। वहीं इंदौर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां एक युवक ने 7 साल के मासूम पर ईंट से हमला किया था। पुलिस ने बच्चे पर हमला करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 7 साल का मासूम अपने घर के बाहर साइकिल चला रहा था, जिस पर युवक ने ईंट से हमला कर दिया। बच्चे पर ईंट से हमले की ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जो कॉलोनी के लोग हैं उनका कहना है कि आरोपी युवक नशेड़ी है, जबकि आरोपी युवक के घरवाले उसे विक्षिप्त बता रहे हैं।
खंडवा में रेलवे स्टेशन के पास मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सवारी बैठाने को लेकर टैक्सी ड्राइवर्स के दो गुट आपस में भिड़ गए और दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर बेसबॉल के बैट, स्टील के पाइप और ट्री गार्ड से हमला कर दिया। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कोतवाली थाना पुलिस ने दोनों ही पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया और मामले की जांच में जुटी है। इंदौर में एक इमारत के लिफ्ट में 8 लोग फंस गए। बताया जा रहा है कि लिफ्ट में ही 8 लोग ही सवार थे जो इमारत की 10वीं मंजिल से नीचे आ रहे थे। इसी दौरान लिफ्ट 5वें फ्लोर पर आकर फंस गई। इस दौरान लिफ्ट में सवार लोगों ने काफी देर तक मदद के लिए गुहार लगाई लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। आखिरकार लिफ्ट में सवार लोग खुद ही लिफ्ट का दरवाजा खोलकर बाहर निकले। हादसा स्कीम नंबर 140 के ग्रैंड एग्जॉटिक की सनशाइन बिल्डिंग में हुआ है। इस इमारत में ना तो कोई गार्ड रहता है और ना ही लिफ्टमैन है। धार की बात करते हैं जहां बस ड्राइवर से मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने बस में चढ़कर नाश्ता बेचने से मना किया। इसको लेकर ड्राइवर के साथ मारपीट की गई। मामला धामनो थाना क्षेत्र का है। ड्राइवर ने धामनो थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो बस में नाश्ता बेचने वालों ने ड्राइवर को पीटा क्योंकि ड्राइवर ने बस में नाश्ता बेचने से इनकार किया था, उन्हें रोका था।